मैंने रेंट पर लिया $10,00,000 पर नाइट वाला होटल रूम और $1,000 पर नाइट वाली केव भी रेंट पर ली, और ये $10,000 वाला अंडर वाटर पैलेस भी, और $50,000 वाला आइलैंड भी, और भी बहुत कुछ। हम इन सभी जगहों पर रात बिताने वाले हैं। शुरू करेंगे दुनिया के सबसे सस्ते होटल से, जो है इंडिया में। हम इन मैट्स को $1 पर नाइट में रेंट पर ले सकते हैं। आओ करीब से दिखाता हूँ। ये मैट देख रहे हैं आप, आज रात के लिए यही मेरा कमरा है। ये मेरे घर वाली मैट जैसी ही है, बस इसमें कंफर्ट नहीं है। अच्छा तो यहाँ रूम सर्विस कैसी होगी? रेंट $1 है। हम जब सोने की कोशिश कर रहे थे तो लोग बीच बीच में आकर हमें देख रहे थे। हाय। हे। यकीन कीजिए हम हॉल में सो रहे हैं। सच में ये है वो प्राइस लिस्ट जिन होटल्स में हम जाने वाले हैं, और वीडियो के अंत तक बहुत मजा आने वाला है। ये था $1 वाला होटल, और अब हम जाने वाले हैं $1,000 वाले होटल में। इसमें मिलते हैं 2 beds, 1 living room, 1 bathroom। आप मुझे सुसु करते हुए भी देख सकते हैं, और ये है जमीन के 200 फुट नीचे। तो ये पूरी गुफा बस हमारे लिए है, काफी बड़ी है। क्या यहाँ चमगादड़ है? नहीं, लेकिन बेड्स पर दाग जरूर लगे हुए हैं। एक बात कहूँ, ये $1 वाले से तो कई बेहतर है। जाहिर है गुफाओं में वाईफाई तो नहीं होगा, हमें साथ मिलकर ही मजे करने होंगे। इसलिए क्रिस उठकर कहीं चला गया। क्रिस कहाँ गया? ये डरावना होता जा रहा है, ये एक हॉरर मूवी के किसी डरावनी एंट्रेंस जैसा लग रहा है। शायद हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। जैसे जैसे रात होती गई, बॉयज को यहाँ एक कीबोर्ड भी मिला, ठीक मेरे बेड के बगल में। ओह क्या बात है, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाओ, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। आप हम हैं, ये मुझे सोने नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। शट अप, ये कितना प्यारा कंकाल है, कोई मेरी मदद करो। क्योंकि गुफा में करने को कुछ ज्यादा नहीं था, तो हम जल्दी से अगली जगह निकल पड़े। हम आ गए हैं $10,000 पर नाइट वाले विला में। ये जगह तो काफी बड़ी है। बॉयज मुझे ये मौका दो, इसे खोलने दो। ओह माय गॉश, देखो ये जगह बहुत बढ़िया है। $10,000 पर नाइट में मिलते हैं 3 bedroom। अगर बेड पर पूरा जंगल नहीं डालते तो भी चलता। और ये यहाँ पर क्या है? सी व्यू वाले बाथटब्स। ओह माय गॉश, चिपोले बोल जैसा है। ये सच में एक चिपोले बोल जैसा है। प्राइवेट डॉक का एक्सेस भी मिलता है। जरा ये तो देखो, क्या ये इन्फिनिटी पूल है? हाँ देखो, ये खत्म नहीं होता। प्राइवेट शेफ के हाथों बना अनलिमिटेड खाना। देखते हैं पिज्जा महंगा लगता है या नहीं। ओह माय गॉश, इसे खाने से होटल में 4 चांद लगे। और अब तक बेस्ट पार्ट तो आया ही नहीं, इस डोर के पीछे देखने से पता चलेगा ये इतना महंगा क्यों है। ओह माय गॉश, एक अंडर वाटर विला, जैसे मैं एक फिश बोल में हूँ। हम समंदर में बने कमरे के अंदर हैं। जरा उन मछलियों को तो देखो, $10,000 वसूल हुए, हम यहीं रहेंगे। तुम्हें क्या ज्यादा पसंद आया, वो गुफा या ये जगह? बेशक ये जगह। ओह वहाँ देखो। ओह माय गॉश, हेलो सर। गाइस यहाँ एक अंडर वाटर बाथरूम। क्या? मैं अंडर वाटर नहा सकता हूँ? क्रिस तुम क्या कर रहे हो? मैं एक इविल विलन जैसा महसूस कर रहा हूँ, जो अंडर वाटर बेस में दुनिया तबाह करने का प्लान बना रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ बुरा होने वाला है। अरे वो देखो। अरे नहीं क्रिस। ओह माय गॉश, वो एक क्रिस फिश है। क्रिस, ये तो कमाल है। वो एक हैंडसम फिश है। इस $10,000 वाले पैकेज में उसे देखो, क्या बात है, जैसे वो हवा में उड़ रहा है। हमें पूरी दोपहर के लिए जेट स्कीज और जेट पैक्स भी मिले। ये दुनिया का सबसे बढ़िया होटल है। और अब हम अंडर वाटर होटल में खाना खा रहे हैं। शार्क, ओह माय गॉश, हम फिश के सामने फिश को खाने वाले हैं। मुझे सही नहीं लग रहा। पानी के अंदर फिश का टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। आगे है $50,000 वाला होटल, $1,50,000 वाला होटल, और $10,00,000 नाइट वाला होटल। इतना अफोर्ड कैसे करते हो? मैं इस वीडियो पर $1,000,000 गंवाने वाला हूँ। फाइनली सोने का वक्त हो गया है, और मैंने फिश रूम पर कब्जा कर लिया है, और चारों तरफ फिशेस को देखकर मुझे अब अजीब लग रहा है। अब भी बहुत सी होटल्स जाना बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा हमें सोने की जरूरत क्यों है। ठीक है, गुड नाइट। तो ये था $10,000 वाला होटल। आगे है एक $50,000 वाला सुंदर और प्राइवेट आइलैंड, और एक $50 वाली बस। और मैंने बॉयज को रैंडमली चुनने को कहा कि वो कहाँ रहेंगे। बस में मजे करना। $50,000 पर नाइट वाले आइलैंड की ओर जाते हुए मैंने अपने ड्रोन से एक शानदार चीज शूट कर ली। एक वेल है। ओह माय गॉश, मैंने अच्छा शॉट लिया है। मुझे लगा 50,000 में हमें बस एक आइलैंड मिल रहा है, लेकिन हमें कितने मिल रहे हैं? 14। हम सारे आइलैंड्स घूम सकते सभी हैं। कमाल की सकते बात है। क्या वो इस आइलैंड पर हमारा वेट कर रहे थे? ये लीजिए। तो आप यहाँ कब से हैं? 2 साल। अरे मेरा मतलब यहाँ पर कब से खड़े हैं? लगभग सुबह 8 बजे से। मुझे बुरा लग रहा है। ओ ये देखो, ये कोई बस नहीं है, ये हमारा घर है। चैंडलर तुम यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे, विश्वास नहीं होता इसका रेंट सच में $50 है। $50। इन 14 आइलैंड्स के साथ साथ हमें मिले हैं 12 घर, 5 स्विमिंग पूल्स, और हमारा इंतजार करता हुआ 110 लोगों का स्टाफ। क्या आपने अभी अभी क्या कहा? 110 लोग हमारा और तरीक का ख्याल रखने वाले हैं। मुझे स्पेशल महसूस हो रहा है। और यहाँ पहाड़ी के ऊपर हैं हमारे छोटे छोटे कसीटास। हम पहुँच गए, आपका स्वागत है। क्या बात है, ये कमाल का है। क्या नोलन का रूम है? हाँ। नोलन, क्या मैं इस घोंचू के बगल में हूँ? सच में
ये आपका इंडोर आउटडोर शावर है क्या? तो इस दरवाजे को खुला रख कर मैं यहाँ पर नहा भी सकता हूँ। बढ़िया, तो हमें यहाँ क्या करना होगा? मुझे नहीं पता। आमतौर पर हम होटल को पूरा देखते हैं, पर मुझे बैठे बैठे पूरा होटल नजर आ रहा है। देखते हैं इसे चला सकते हैं या नहीं। लगता नहीं है ये काम करता है। वापस जाकर हमने आइलैंड पर लंच किया। वाओ, ये डिजर्ट तो वाकई लाजवाब है। फिर प्राइवेट बीच पर रिलैक्स किया। मैं कई दिनों के बाद इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद एक प्राइवेट प्लेन की सवारी की और थोड़ा और खाना खाया। ये बस बढ़िया खाना परोसे ही जा रहे हैं। फिर मैंने क्रिस और चैंडलर का हाल जानने के लिए उन्हें कॉल किया। कैसे है क्रिस? ए, क्या चल रहा है? मुझे कहना ही होगा, ये $50,000 वाला आइलैंड कमाल का है। यहाँ बहुत गर्मी है, बस चलती भी नहीं। यहाँ सिर्फ एक बेड है। लगता है वो बहुत मजे कर रहे हैं। तो तुम्हें कुछ घंटे बाद कॉल करते हैं। नहीं सुनो, मुझे यकीन है वो कहने वाला था हमें यहाँ से ले जाओ। चलो वो क्लिप चलाओ। नहीं, हमें यहाँ से ले जाओ। ठीक है, हमें कुछ खाना होगा। हाँ सही कहा, एक आइडिया है। ओके, जैसे तैसे बॉयज ने एयरबीएनबी के ओनर को बस टो करने के लिए मना लिया। मैं हैरान हूँ कि सब कुछ सही से कैसे हो रहा है। और उसके बाद हम बीच पर 8-course वाला डिनर करने चले गए। आपका ऑक्टोपस कारपाचियो? ऑक्टोपस कारपाचियो? ओह माय गॉश, ये जगह कमाल की है। ओह माय गॉश, हम पहुंच गए। ये केकड़ा फैंसी है। क्रिस से भी अच्छे तरीके से खा रहा है। हमने मैकडॉनल्ड से खाना ले लिया है, अब वापस बस में बैठ रहे हैं। कैंप साइट पर जाना होगा। वापस घर। बड़ा ही कमाल का दिन था। मैंने पूरी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं किया। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, हम बड़े होटल्स की ओर जा रहे हैं। वीडियो और दिलचस्प होने वाला है। आगे मैंने रेंट पर ली है ये पूरी की पूरी क्रूज शिप। आमतौर पर इस शिप पर हजारों लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ $75,000 में हम इसे पूरा रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक घंटे के लिए है, क्योंकि ये शिप पूरे $50 करोड़ की है। और इसे मजेदार करने के लिए मैंने इस क्रूज शिप पर रैंडमली $1,00,000 छुपाए हैं। आप जितने भी ढूंढ पाए वो आपके होंगे। अब आप भाग सकते हो। चलो भागो। मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम वहाँ से जाओ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हर कोने में। मुझे नहीं लगता जिमी कचरे में पैसे छुपाएगा। देखते हैं। चलो जल्दी चलो। मैंने $10,000 ढूंढ निकाले। चलो चले। अरे वाह। ओके, यहाँ पे देखता हूँ, $10,000 का चेक। मुझे एक और मिल गया। ओके, उसे और एक मिल गया। मुझे अब तक 2 मिले हैं। क्या तुम्हें कोई व्हाइट बोर्ड दिखा, एक बड़ा चेक? नहीं नहीं, ये बड़े बड़े चेक ढूंढने में माहिर है। और रुको। तुम्हें अब तक कितने मिले हैं? 30। ये जानते भी नहीं कि इन्हें कितने पैसे मिले हैं। हमारे आखिरी 2 होटल्स में जाने से पहले मैं और मेरे बॉयज वेगस में आकर मिल गए। अब हम $1,50,000 पर नाइट वाले होटल में हैं। ये है पाम्स होटल रिजॉर्ट, जो लास वेगस में है। यहाँ 3 रूम्स हैं, एक बोलिंग थीम वाला रूम, एक बास्केटबॉल थीम रूम और एक आर्ट थीम रूम, जिसमें फेमस लोगों के आर्ट रखे हुए हैं। अब चैंडलर और हमारे स्पेशल गेस्ट पहला रूम चुनने वाले हैं। तुम कौन सा रूम चुनते हो? बास्केटबॉल। ये लो चाबी, मजे करो बॉयज। मेरा मानना है ग्रेवी और चैंडलर का रूम बेस्ट है। ये वाकई अच्छा है। वहाँ एक सीक्रेट गेमिंग रूम भी है। एक हिडन रूम। मैं कहने ही वाला था कि यहाँ एक रूम है। ये एक डोर है। उनके पास अपना खुद का एक बटलर था। मैं एक लकी बटलर। और उससे भी अच्छी बात, उनके पास अपना खुद का बास्केटबॉल कोर्ट था। वाओ। तुम्हें कौन सा रूम चाहिए? बोलिंग। अच्छा, सच में? हाँ। तो मतलब क्रिस, मुझे और तुम्हें मेडिसिन रूम लेना होगा। मैंने मेडिसिन रूम गूगल किया, वो मजेदार नहीं है। बोलिंग करनी है तो तैयार हो जाओ। अरे ये रूम तो शानदार है। स्ट्राइक, स्ट्राइक बेबी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इसे ऐसे नहीं खेलते हैं। पूरे 7 पॉइंट से जीत गया। बैग्स कहाँ पर हैं? वो यहाँ पे और भी है। बंक बैग्स, बंक बैग्स। नोलन, हमने परफेक्ट रूम चुना है। चलो हम चेक करते हैं मेडिसिन रूम। इस रूम में करीब $1,60,00,000 की आर्ट्स वाली चीजें हैं, और क्रिस को कोई आइडिया नहीं है। ये पूरे $10,00,000 का आर्ट है। ऐसा लग रहा है मेरी दादी माँ की दवाइयां। जब मैंने इसे रेंट पर लिया, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए इसे टच मत करना, वरना सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे। इसे टच मत करो। पिल्स के इन कलेक्शन की कुल कीमत क्या होगी? $37। पूरे $35,00,000। ये एक आर्ट है। ये कैसी आर्ट है भाई? यहाँ लिखा है इस टेबल की कीमत $23,00,000 है। सच कह रहे हो तुम? नहीं, ये एक आम पूल टेबल। वो वहाँ बोलिंग और बास्केटबॉल खेलकर मजे कर रहे हैं, और हम यहाँ चीजों को छूने से डर रहे हैं। $1,50,000 वाले पैकेज में $10,000 वाला डिनर भी शामिल है। वाओ। बाय द वे क्रिस, वो बस कैसी थी? तुमने कुछ बताया नहीं। वहाँ मेरे चेहरे पर मच्छरों ने काटा, और जब वो तुम्हें काट रहे थे मैं मसाज ले रहा। तो बाकी होटल्स के मुकाबले ये वाला कैसा लगा? 10 में से 10। ये सच में बहुत अच्छा खाना है। Cheers. शायद हम सभी मानते हैं कि खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन रात अभी बाकी है। एक शानदार डिनर के बाद मैंने और बॉयज ने बोलिंग रूम में कुछ वक्त बिताया। इसे कहते हैं क्वाड बॉल। Well, हमें अब भी एक स्ट्राइक नहीं मिला। मैं ही जीतूंगा। अब ये देखो। Yay!
हर एक होटल रूम में एक बोलिंग एले होना चाहिए। ये $1.5 लाख वाला पैकेज सच में कमाल का था। सोच नहीं सकता कि $10 लाख पर नाइट वाला होटल कैसा होगा। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था, ये $10 लाख नाइट वाला किला। वो कर मेरी है। नॉक करके देखते हैं क्या होता है। कैसे हो? हाय एवरीबॉडी। ये कमाल का है। हमारे अंदर आते ही उन्होंने हर एक को अपना एक बटलर दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेलकम सर। कैसे हो दोस्त? तुम्हारे बाल कैसे? क्या बात है? ऊपर आइए और किले का मजा लीजिए। ये सीढ़ियाँ ऐसे दो हिस्सों में बटी हुई क्यों हैं? शुरुआत तो अच्छी है। इतने लंबे फुटबॉल टेबल्स भी बनाते हैं। $10 लाख वाले कासल में ऐसे ही होते हैं। नोलन वो बॉल देख रहे हो? हमारा गोल आपको 24 घंटों तक $10 लाख का एक्सपीरियंस देना है। इन्हें मिले हैं 6 डायमंड स्टार्स। पता नहीं था 5 के ऊपर भी होते हैं। जरूरी बात, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। और उससे भी जरूरी बात, यहाँ पर मैट्रिक्स है। ऐसा लग रहा है $10 लाख वसूल हो गया। आखिर ये है क्या? क्या वो रोबोट है? यहाँ पर ये लोग दिन भर ब्रेक डांस करते रहते हैं। ये बढ़िया है। अभी हमने पूरी जगह देखी भी नहीं थी कि नहीं, वो हमें सिखाने वाले हैं कि ये कैसे करते हैं। फिर उन्होंने हमारे रूम्स दिखाए। मुझे मेरा रूम दिखाओ। थैंक यू। ये रहा। थैंक यू। मैं गारंटी देता हूँ, अगर काल यहाँ आया तो वो बाथ टब में नहाने के बारे में जरूर कुछ कहेगा। माय गॉड, ये बाथ टब बहुत सुंदर है। क्या चीज है ये? बॉयज किले में और घूमना चाहते थे, लेकिन मेरा प्लान थोड़ा अलग था। और आगे जाने से पहले मेरे पास एक सरप्राइज है। आओ लेकर आओ। किन्हें लेकर आओ? वेलकम। सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। आओ, कैसे दोस्त, क्या हाल है? क्योंकि आपकी वजह से ही हम ये किला एक रात के लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने 4 रैंडम सब्सक्राइबर्स को बुलाया है। जाओ सब लोग जोड़ियां बनाओ और मजे करो। 10 लाख पर नाइट वाले होटल के मजे लो। हम कार चुनने की कोशिश कर रहे हैं, चुप रहो। ओके। मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। चलो देखते हैं। ओके। ओह माय गॉड, वो सच में कमाल का था। बढ़िया। मैंने ऐसी चीज आज तक कभी नहीं की। जरा उन घोड़ों को तो देखो। कभी घोड़े की सवारी की है? नहीं, मैंने कभी घोड़ा नहीं देखा। माफ करना, पर ये कैसे हो रहा है? ये कितनी कमाल की बात है ना कि यहाँ इतने बड़े बड़े घोड़े हैं और ये बड़ा सा किला भी। क्या आपको अंदर जाना है? हाँ। काल, तुम घोड़े को कैसल के अंदर लेकर आए हो? विश्वास नहीं हो रहा। ओह माय गॉड। एक मिनट, लेकिन मतलब क्यों? हमारे पास ऑप्शन था तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तुम भी। hey, देखो हम ड्राइव कर रहे हैं। ओह, ये बहुत पावरफुल है। मैं मैक्लेरन में हूँ। क्रिस और उसका सब्सक्राइबर पूरे $3 लाख की कार लेकर मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं। हेलो गाइस, ये मैं हूँ चैंडलर, मिस्टर बीस्ट वाला। मुझे हमेशा से मेरा सपना रहा था। ओह माय गॉश, तुम अभी अभी आ गए। यहाँ की 1 साल की मेंबरशिप के लिए $57,000 लगेंगे। और मैं यहाँ फ्री में खेल रहा हूँ। क्योंकि मैंने 10 लाख खर्च किए। पर मैं फ्री में खेल रहा हूँ। मुँह क्यों लटकाया है? डैड प्लीज, मुझे बस एक कदम आगे जाना है। सांता फे, चलो। मुझे कार ज्यादा पसंद है। मैं सोच रहा हूँ $10 लाख पर नाइट वाला डिनर कैसा होगा। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे सभी बटलर्स वहाँ पर खड़े हैं। आप सब बैठ सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाइए जाइए, बैठ जाइए। तो दूसरी जगहों के मुकाबले आपको एक किला कैसा लगा? बढ़िया खाना, वेगास मानता हूँ। ओके, बेस्ट होटल, वो प्राइवेट आइलैंड सबसे बढ़िया था। हमने वो नहीं देखा, हम बस में थे। ये लैंप काम नहीं करता और एसी भी। मेरा फेवरेट $50,000 वाला प्राइवेट आइलैंड। क्या बात है, ये जगह बहुत ही कमाल की है। और पता है, जब आप डिनर पर इतना खर्च करते हैं तो साथ में एक शो भी मिलता है। ये शानदार है। वाओ, बहुत अच्छा। अब समझा कि ये $10 लाख किस बात के लेते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, अमीर लोग पागल हैं। और वो खत्म होने के बाद उन्होंने एक ग्रैंड फिनाले भी किया। वहाँ पर गो ग्रीन डॉट्स देख रहे हो, वो हैं ड्रोन्स। ऑलराइट, वो ऊपर जा रहे हैं। सच में कमाल है। देख रहे हो? उस आदमी के साथ क्या कर रही है? ये पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस है। ये सच में लाजवाब है। आतिशबाजियों का जमाना अब खत्म होने वाला है दोस्तों। वाव, वंडरफुल। अरे नहीं, पर क्यों? ओह माय गॉश ब्रो, जानता हूँ ये असली नहीं लगता, लेकिन ये असली है। बहुत ही कमाल का था।
हमने हफ्तों ट्रैवल करके पूरी दुनिया घूमी। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और मजा आया होगा। ये बहुत मुश्किल वीडियो थी। सब्सक्राइब, आप इनमें से एक हो सकते हैं।